दोस्तों आप सभी का अलग क्लास में स्वागत है और हम आज पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष विषय रहेगा हमारा भूगोल शिक्षण और भूगोल शिक्षण के अंदर हमारी कह रहेगी फोर्थ और फोर्थ के कदम है भूगोल शिक्षण के लिए नियोजन कि भूगोल शिक्षण के अंदर किस प्रकार की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस नियोजन के अंदर हमारा प्रकरण रहेगा भूगोल के विभिन्न क्वेश्चन
आप नहीं कह रहे मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखा की सहायता से बने मानचित्र जो है वो हमारे अक्षांश और देशांतर रेखा अक्षांश क्या और देशांतर क्या अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा का जाल बना होता है उसे अक्षांश रेखा है और उत्तर से दक्षिण की ओर की जैसे जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा वो देशांतर रेखा होती है। मानचित्र धरातल के कागज पर बनाए जाते हैं जिसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सही प्रकार के तथ्यों को रूढ़ चिन्हों को दर्शाया जाता है किस किस सड़क कच्चे सड़क कुआ खेत पगडंडी या जो भी सिंबल है उनको रूढ़ चिन्हों के माध्यम से समाज को या कोई भी खनिज पदार्थ होता है तो उनको सिंबल बनाने के लिए इसका ये उसका। अब आता है हमारा कि विभिन्न उद्देश्यों का विभिन्न उद्देश्यों वाले प्रमुख मानचित्र क्योंकि हमारे मानचित्र भी एक ही है मानचित्र एक बहुत सारे प्रकार होते हैं मानचित्र एक प्रकार नहीं है मानचित्र एक प्रकार होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पहला आता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है सिर्फ प्रकृति संबंधित जितने भी आसपास की प्रकृति है उसको ही समझाया जाता है इसमें पर्यावरण के बारे में वनस्पति कितनी है वहाँ पर चीज है उसमें वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है वहाँ पर मतलब आदि मानव या मानव का व्यवहार कैसा है वहाँ की स्थिति कैसी है वो सिर्फ भौतिक मानचित्र का। सेकंड नंबर आता है हमारा भूगर्भीय मानचित्र कि जमीन के नीचे किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं किस किस प्रकार के हमारे खनिज द्रव्य उन सभी के बारे में हम भूगर्भीय जमीन के नीचे पानी की मात्रा कहाँ है या खनिज पदार्थ कहाँ है और किस प्रकार खनिज पाया जाता है वो सिर्फ भूगर्भीय मानचित्र के द्वारा समझा जाता है। थर्ड नंबर आता है हमारा जलवायु संबंधी मानचित्र। जलवायु क्या जलवायु हमारे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ जल है और कितनी कितनी मात्रा में और किस प्रकार का पानी है उन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जलवायु संबंधित मानचित्र को देखना पड़ता है कि कहाँ की जलवायु सबसे ज़्यादा ठंडी है कहाँ की जलवायु सबसे ज़्यादा गर्म है कहाँ की जलवायु सबसे ज़्यादा आर्द्र है या शुष्क है इन सभी की जानकारी हमें उस मानचित्र पठन के आधार पर हमें प्राप्त होती है। फोर्थ नंबर आता है ऋतु मानचित्र क्योंकि हमारे पृथ्वी पे भारत के अंदर ऋतुओं का भी एक मानचित्र बनता है कि मौसम के आगमन ऋतुएं तीन होती है वर्षा ऋतु वर्षा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इन तीनों ऋतुओं में क्या होता है चक्र चलता है कब वर्षा आएगी कब सर्दी आएगी और कब गर्मी आएगी इन सभी का मानचित्र के आधार पर इस स्थिति के आधार पर या किसी स्थान के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पर मानसून कब और कैसे आएगा और किस स्थिति में आएगा। फिर पांचवा आता है वनस्पति मानचित्र। वनस्पति बता है कि हमारे इस भारत के या पृथ्वी के भूभाग के ऊपर या धरातल के समुद्री क्षेत्र के आधार पर हमारी वनस्पति किस प्रकार की है और कहाँ कहाँ कैसी है सदाबहार वन पतझड़ वन विस्तृत वन सूक्ष्म वन मुस्तदीय वन मृदवेद वन बहुत सारे प्रकार के वनस्पति पाई जाती है जो हमारे अलग अलग राज्यों में पाए देखने को मिलती है। और छठा जो आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक जहाँ पर सिर्फ आवागमन के मार्गों का या सीमा बॉर्डर का या बॉर्डर के बारे में या एक दूसरे की एक दूसरे को मिलने वाली सीमाओं के बारे में सब बोलते राजनीतिक मानचित्र कहते हैं जिसमें हम एक प्रदेश के बारे में दूसरे प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आर्थिक मानचित्र मतलब सबसे ज़्यादा औद्योग धंधे या गरीबी रेखा से स्तर के अनुसार आर्थिक जो कमजोरी है कह दिया या वनस्पति के आधार पर या खान पान के आधार पर जलवायु के आधार पर या किस चीज के आधार पर वो सिर्फ आर्थिक मानचित्र बनता है। आठवा आता है ऐतिहासिक मानचित्र। ऐतिहासिक मतलब क्या हमने इतिहास में पढ़ा है कि बड़े बड़े जो प्राकृतिक द्वारा जमीन से खोद के निकलने वाले ऐतिहासिक मानचित्र होता है जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता ये सब ऐतिहासिक है इनको प्रति से खोद कर ये निकाला गया हम दुनिया के साथ अजूबों को पढ़ते तो वो ऐतिहासिक मानचित्र है ऐतिहासिक मानचित्र। अब आता है भूमि उपयोग के मानचित्र। भूमि किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए हमारे वनस्पति के लिए या पेड़ पौधों के लिए तो हम भूमि उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि भूगोल के खोज गए थे हमारे भूगोल शिक्षण के लिए नियोजन और उस भूगोल शिक्षण नियोजन में था हमारा टॉपिक था कि भूगोल की विभिन्न भूगोल के विभिन्न पुस्तक हमारे चार थे निरीक्षण मौखिक एवं
भारतीय हूँ और ये कोशिश है आप सभी को सुनता है कि हमें आज के लिए इतना ही, हम और अगले टॉपिक में नया टॉपिक